लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको कोटा बस अड्डे लिए चलते हैं और वहां पर एक तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, जहां पर स्टाफ से लेकर बस में सफर कर रहे यात्री ने भी लापरवाही की कसम खाई हुई है। देखिए कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल की ये रिपोर्ट। कोरोना बेकाबू है लेकिन हमारी लापरवाही है कि जाने का नाम नहीं ले रही, और इसी का रियलिटी चेक करने के लिए हम कोटा के नयापुरा बस स्टैंड पर पहुंचे हैं कि लोग आखिर कितना अवेयर है, क्योंकि बस स्टैंड वो जगह होती है जो भीड़ भाड़ वाली जगह पर होती है। और फिलहाल यहां पर हम तस्वीर और ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों ने मास्क लगाया हुआ है या नहीं। ये देखिए आप तस्वीरें, वो जो ये शख्स हैं जो बिना यहाँ पर मोबाइल चला रहे हैं लेकिन मास्क नहीं लगाया हुआ, ये तस्वीर आप देख लीजिए, जो आपको चारों तरफ कुछ इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आएगी। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? सांस ही ना आओ, सांस नहीं आती। भैया कैमरा देख करके मास्क लगा रहे हो? नहीं सर। क्यों? सांस नहीं आ रहा था थोड़ी देर के लिए। सांस नहीं आ रहा? अजमेर से आए हैं। अजमेर से आए हैं, सांस नहीं आ रहा था। लोग इतने लापरवाह हैं कि मास्क के लिए इनकी जो लापरवाही है वो ख़त्म नहीं होती। देखिए आप, मेरे कैमरामैन शक्ति आपको यहाँ पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए ये शख्स भी यहाँ पर बिना मास्क के घूम रहे हैं। भैया मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अभी लगाऊंगा, लेटा था मैं तो यार। अभी लगाऊंगा, लगाना चाहिए इनको। ये देखिए ये तस्वीरें आपको यहाँ पर आम नज़र आएंगी और कोटा के बस स्टैंड पर चारों तरफ नज़र आएंगी। ये लापरवाही की तस्वीरें हैं, ये लापरवाही की हदों को पार करने वाली तस्वीरें हैं, ये ग्राउंड रियलिटी है जो ज़मीनी धरातल पर नज़र आती है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं कि बस स्टैंड जैसी जगह पर हम बिना मास्क के घूम रहे हैं, मास्क को नीचे करके घूम रहे हैं। कैमरा जब घूमता है या पुलिस कर्मी जब नज़र आते हैं तो फिर हमें मास्क नज़र आता है। आखिर ये जो लापरवाही है हम क्यों बरत रहे हैं और इसका जो खामियाजा है वो आखिर किसे भुगतना पड़ेगा? कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा।